पुलिस व बदमाशों के बीच दे दनादन फायरिंग, एक को लगी गोली, तीन फरार। सोने चांदी के आभूषण, नकदी व तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मौरानीपुर में देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक छात्र लुटेरे को गोली लग जाने से वह घायल हो गया, जबकि तीन अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले, जिन्हें दबोचने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। घायल लुटेरे के पास से चोरी के आभूषण, नकदी व तमंचा बरामद हुआ है। एसपी ग्रामीण की माने तो लुटेरे का एक लंबा आपराधिक इतिहास भी है। मऊरानीपुर कस्बे में बीते 19-20 सितंबर की रात एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर पुलिस टीम अलर्ट मोड में थी। चोरों को पकड़ने की फिराक में पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि वाजपेयी तालाब के पास कस्बे में हुई चोरी के संबंध में लुटेरे एकत्रित हो रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल, उनकी टीम वाजपेयी तालाब पर पहुंची। पुलिस की टीम को देखते ही वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति भागने लगा। यह देख पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने सुरक्षा के चलते गोली का जवाब गोली से दिया। इस दौरान भागने वाले व्यक्ति के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया और गिर पड़ा। पुलिस ने उसको इलाज के लिए CHC भर्ती कराया, वहां से उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस बीच में जब पुलिस द्वारा उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ रुपए, चोरी के सोने चांदी के आभूषण व तमंचा समेत दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। सर, आज मऊरानीपुर में वाजपेयी तालाब के पास क्या घटना घटी? वाजपेयी तालाब के पास 19/20 की रात में मऊरानीपुर कस्बे में चोरी हुई थी। उसमें प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में दो टीमें बनी थी, जिसमें पुलिस को ये सूचना मिली थी कि शाम को कोई वाजपेयी तालाब के पास कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस सूचना में पुलिस वाजपेयी तालाब के पास आई तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, तो पुलिस ने उसको दौड़ाए तो उसने एक तमंचा लिया हुआ था, उससे फायर कर दिया, और जिससे पुलिस ने भी आत्मसुरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे उसके पैर में चोट लगी, गोली लग गई है, और उसको इलाज के लिए CST भर्ती कराया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। और इस बीच में पुलिस द्वारा ये तलाशी ली गई तो उसके पास से रुपए मिले हैं, चोरी के आभूषण सोने चांदी के मिले हैं, उसके पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो खाली कारतूस मिले, और इसने अपना पूछने में नाम पंकज बताया तथा साथ ये भी बताया कि उसके तीन अन्य साथी हैं, जो पुलिस को देखने जब पता चला कि पुलिस आ रही है तो वो भाग गए। पुलिस इनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है, और पंकज जो कि मऊरानीपुर कस्बे का है, उसके खिलाफ लूट चोरी मर्डर के मुकदमे कायम हैं, और ये लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। बहुत शातिर किस्म का ये लुटेरा है। SP ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि पूछताछ में घायल द्वारा अपना नाम पंकज निवासी मऊरानीपुर बताया गया। साथ में यह भी बताया गया है कि उसकी तीन अन्य साथी भी वहां उपस्थित थे, जो पुलिस को देखकर मौके का लाभ उठाते हुए भाग निकले। पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। SP ग्रामीण ने बताया कि पंकज, जो कि मऊरानीपुर कस्बे का है, उसके खिलाफ लूट चोरी मर्डर के मुकदमे कायम है, और यह लगातार इस तरह की घटना को अंजाम देता रहता है। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सिंह परिहार के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।